नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जीपैट 2023 का एग्जाम इस बार 22 मई 2023 को होने वाला है। दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप जैसे ही जीपैट के वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको दिखेगा रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट 2023। यहाँ आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको दिख जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी में सबसे पहला जीपैट 2023 एडमिट कार्ड। यहाँ आपको क्लिक करते ही एडमिट कार्ड डाउनलोड का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, देन आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है और इस सिक्योरिटी पिन में जो यहाँ कैप्चा कोड लिखा है वो डालकर सबमिट करना है। देन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है सिलेबस। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ आपको देखेंगे कि ये जीपैट 2023 का पब्लिक नोटिस है, जिसमें ये बताया गया है कि 22 मई 2023 यानी मंडे के दिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जीपैट के लिए, जिसमें दो शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। पहला शिफ्ट है 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा शिफ्ट है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन और अदर सब्जेक्ट से 11 क्वेश्चन। टोटल 125 क्वेश्चन है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 500। तो दोस्तों, 22 मई 2023 को ये एग्जाम होगा। सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।